आपने इसका कोड क्या था मीटिंग का? क्या हुआ इस अरे वाह, सेलिब्रिटी आ गया हमारे। अरे अरे आराम से गिराना नहीं बच्चों, कोई गिरना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, गिर जाओ तुम लोग, इस चेयर पे रख दो बैग को, दिक्कत नहीं। अब तो बंद कर दें, एस चल रहा है आपका, कूलिंग हो जाएगी थोड़ी देर में, सब नॉर्मल हो जाएगी। आदित्य लास्ट क्लास में थे, विमान आप नहीं थे लास्ट क्लास में, ऑनलाइन थे, हर्ष आप थे, पर्व आप थे लास्ट क्लास में, कुछ बात हुई थी अपनी, पर्व और आदित्य पूछेंगे है ना, यही बात हुई थी कि जो भी टॉपिक करवाया गया है उसमें से जो भी प्रॉब्लम है आई है आपको, क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, वो आप बताएंगे और पूछेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? पर्व से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर पे बैठे भी हैं, है ना, तो थोड़ी बात हो जाए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले तो बहुत अच्छा होगा। चलो, क्या पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में, थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, उसमें ही किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी पूछ लेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल में क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है लास्ट लेक्चर में हमने, केमिकल कुछ भी नहीं पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे कुछ भी नहीं देखा था, फिजिकल बेसिस पे देखा था। तो पर बताइए क्या क्या पढ़ा हमने मेटल के बारे में? गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, करंट के, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। चलो नेक्स्ट बोलो, हाँ आप ही बोलोगे। सॉलिड होते हैं इन जनरली, क्या बोलेंगे, सॉलिड होते हैं मेटल्स इन जनरली, जिसमें से एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, मर्करी है। चलो नेक्स्ट, मेटेलिक लश्चर होगा एक तरीके की, स्पेशल तरीके का, इसमें क्या होता है, शाइन होता है। नेक्स्ट सोचो जल्दी बताओ, आदित्य बोलो, हीट के गुड कंडक्टर है, ठीक है। नहीं नहीं आदित्य का नंबर है अभी, आदित्य को बता दो, आदित्य चलो। टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी क्या होती है मेटल की, हाई होती है, रीजन क्या बताया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर आप फोर्स लगाते हो तो वो ज्यादा फोर्स से ब्रेक होगा या कम फोर्स से ब्रेक होगा, उसमें मजबूती है या नहीं है। तो आपको पता है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, FOA, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ में कोई बताया तो था अभी एकदम से याद नहीं, सोडियम सॉफ्ट होता है, नहीं मेटल है, अरे अरे मेटल पढ़ रहे हो और सोडियम को नॉन मेटल बोलोगे, सोडियम बहुत अच्छा मेटल है, सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। वैसे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, लेकिन इनको ये कितने होते हैं सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप नाइफ से कट कर सकते। चलो आगे पॉइंट बोलो, मेटल की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं हम लोग, आदित्य हम लोगों को रिवाइज करवा रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था लास्ट टर्न पे। चलो इतने ही थे बस, कौन बताना चाहता है,
गार्गी? नहीं गार्गी नहीं बताएंगी, गार्गी को तो मालूम होगा मुझे पता है, परी आप बताओगे? बताओ। मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल का क्या मतलब था परी? हाँ मैलिएबल का मतलब है कि आप शीट फॉर्म कर सकते हो इनकी, मेटल्स की। और डक्टाइल का क्या मतलब है? वायर्स बना सकते हैं आप, जिसमें से आपको सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी बताई थी मैंने, जिसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होती है? गोल्ड की बताई थी। और गोल्ड का क्या बताया था कि 1 ग्राम गोल्ड को कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबा वायर उससे बन सकता है, तो डक्टिलिटी उसकी बहुत हाई होती है। और कुछ बताया था ओजस्विनी? सोनरस बताया था। सोनरस का क्या मतलब है? मेटल के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सोनरस। सोनरस का क्या मतलब है? सोनरस का मतलब है हाँ कि आप अगर इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस करेंगे। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? बेल वगैरह में किया जाता है ना, और कहाँ पे किया जाता है? और आपको बताया था एक एग्जांपल, जल्दी से बताइए। हाँ आपके जो वो क्या कहते हैं, डांस वगैरह के लिए, कथक वगैरह के लिए जो घुंघरू वगैरह यूज किए जाते हैं उसमें, और भी बहुत सारी जगह है, ये तो दो एग्जांपल हैं। मारते तो इससे भी हैं तो बहुत तेज पता लगता है, ठीक है? कंडीशन ना है अपनी क्लास में तो ज्यादा अच्छा है ना। मारते तो ये मेटेलिक थोड़ी है हाथ में, लेकिन जब क्या बोलते हैं वो, सनी एक्सेप्शन में आ गया, सनी देओल का हाथ जब पड़ेगा तो क्या होगा, क्या बोलते हैं, 2.5 किलो का हाथ। हाँ लेडी सनी देओल ही समझ लो, ठीक है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी जिसके बारे में हमने बात करी थी, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमको बाहर से देखने से पता लगती है। जैसे आप टेंसाइल स्ट्रेंथ देखना चाहते हो तो आप फोर्स लगाते जाओ, देखो कितने फोर्स पे टूट रहा है। दो मेटल्स अगर आपको दिए हैं और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है तो आप दोनों पे इक्वल फोर्स लगाओ, आपको पता लग जाएगा जो पहले ब्रेक होगा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, जो बाद में ब्रेक होगा उसकी ज्यादा है। मेटेलिक क्लस्टर को भी देख के हम पता लगा सकते हैं। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेटअप में आप लगाते हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहा है नहीं करवा रहा है वो पता लग जाता है। इसके बाद अब बात करने जा रहे हैं मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज की, बात करने जा रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की जब बात आप करोगे मेटल के या नॉन मेटल के, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी जो केमिकल होता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है, कोई भी जो एटम होता है, वो बेसिकली रिएक्ट करता क्यों है, रिएक्ट करने का उसका रीजन क्या है? अगर कोई चीज किसी से रिएक्ट कर रही है तो उसके पीछे क्या है, रीजन क्या है? जैसे मान लो कि आज की दुनिया में बहुत बड़ा ये वो है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ अचीव करने के लिए मतलब काम करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि अगर हमारा बोलते अगर हमारा पेट नहीं हो तो हम क्या करेंगे, काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या होता है, भूख लगती है, खाना खाना है। तो अगर आपके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है तो आपको क्या करना है, अर्निंग के लिए कुछ काम तो करना ही है ना। तो वैसे ही कोई भी मेटल, कोई भी नॉन मेटल अगर किसी से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है, तो उसका एक प्रॉपर रीजन होता है। और वो प्रॉपर रीजन रिलेटेड किससे होता है? मेटल किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं, ठीक है? एटम के अंदर होता क्या क्या है? एटम की अगर बात करो तो बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और उसके बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। उन शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। यहाँ सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर की तरफ जो शेल्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो सारा जो खेल होता है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जैसे लाइफ में लोग बोलते हैं हमारी नौकरी लग जाए तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, अच्छी सी एक जॉब लग जाए तो हमारी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो
उसी तरीके से मेटल का एटम या नॉन मेटल का एटम, दोनों के जो एटम हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी लाइफ में क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। और स्टेबिलिटी कैसे आती है, स्टेबिलिटी के लिए ये रिएक्ट करते हैं, इनको चाहिए स्टेबिलिटी। और एटम के केस में स्टेबिलिटी कब मिलती है, जब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं कि कंप्लीट ऑक्टेट। आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसके बाद वो रिएक्ट करना बंद कर देता है। जैसे अगर बोलो तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट, या आप बोलते हो इनर्ट गैसेस। हाँ जी, ग्रीन वाला नहीं दिख रहा है। चलो चलो भाई दूसरा ले लेते हैं। इनर्ट गैसेस की बात कर लेते हैं, तो इनर्ट गैसेस जो बनी होती है वो कैसे एलिमेंट से, कैसे एटम से बनी होती है। ऐसे एटम्स होते हैं कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब है कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इनको कोई भूख भूख नहीं लगी, इनका पेट भरा हुआ है, इनके पास कोई खाना लेके आएगा तो ये कोशिश करेंगे इनको नहीं खाना है, ठीक है। इनको कोई रिश्वत देने आएगा, इनको कोई लालच नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके टर्म्स में आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो इनके पास होते हैं, तो ये किसी से रिएक्ट वेक्ट करना जल्दी से चाहते नहीं है। जैसे एग्जाम्पल अगर लो तो नियॉन एक इनर्ट गैस है। नियॉन के एटम को हम सिंबलाइज करते हैं Ne से डिनोट करते हैं। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये इनर शेल है इसकी, ये आउटर शेल है, आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इसका ऑलरेडी कंप्लीट है। और ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो ये रिएक्ट करना चाहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं। हीलियम हो गई, नियॉन हो गई। जैसे हीलियम है, केवल हीलियम का ऐसा केस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में। इसको बोलते हैं हम लोग, जब आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो बोलते हैं डुप्लेट। तो हीलियम के आउटर शेल में कितने होते हैं, डुप्लेट होता है, और ये भी स्टेबल है। बाकी हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा जितने भी 116 एलिमेंट हमको पता है, सारे एलिमेंट में इनर्ट गैसेस को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं सब में आउटर शेल कंप्लीट नहीं होता है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए वो आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अगर उनके पास कोई दूसरा एलिमेंट आता है तो वो आसानी से उससे रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का रीजन पता चला मेटल और नॉन मेटल का, क्या है, आउटर शेल उनका इनकम्प्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए रिएक्ट करते हैं। अब मेटल की अगर बात करो तो मेटल की डेफिनेशन में हमने बोल दिया कि भाई ऐसे एलिमेंट जो जिसमें मेटलिक क्लस्टर हो, ये हो, ये हो, ये प्रॉपर्टीज हो, उनको मेटल कहते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से बोलें, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में अगर आप मेटल को बोलो, क्योंकि आजकल कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप मेटल बोलते हो तो मेटल का मतलब है आउटर शेल जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 1, 2, 3, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर आपको दिखता है आउटर शेल में तो आप बोलोगे कि वो चीज क्या है आपकी, मेटल। जैसे अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम को हम डिनोट करते हैं Al से। का एटॉमिक नंबर होता है 13। एटॉमिक नंबर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता लग गया आपको, प्रोटॉन कितने है।
कॉन्फ़िगरेशन होता है 283, ये आउटर शेल है एल्युमिनियम का। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको? 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा? मेटल। ऐसे ही हम कैल्शियम की बात कर लें, कैल्शियम को डिनोट करते हैं सी ए से, सिंबलाइज करते हैं किससे? सी ए से। 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल और ये डिवाइडेड होते हैं ऐसे। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? आउटर शेल या इसी को वैलेंस शेल बोलते हैं, हाँ हाइड्रोजन नहीं, हर चीज का एक्सेप्शन होगा ना। जैसे मैंने बोला कि मेटल कौन कौन है जिसके आउटर शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन अगर इसका एक्सेप्शन देखो, हाइड्रोजन जो है ये ऐसा एलिमेंट है जिसके जिसमें टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आउटर शेल इसका एक ही शेल है, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन इसको मेटल ना बोल के हम बोलते हैं नॉन मेटल, और भी रीजंस है अभी बताएंगे किस वजह से इसको नॉन मेटल बोला जाता है। ये मेटल नहीं है, ये क्या है? नॉन मेटल। लेकिन इसके अलावा और आप देखोगे, जैसे आप देख लो सोडियम को, तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2, 8, 1, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11 हो गए, 2 + 8 = 10 + 1, आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप क्या बोलोगे? मेटल। क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है? तो मेटल के आउटर शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसका एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मेटल की कैटेगरी में इसको दिया गया। अच्छा, कोई भी चीज किसी कैटेगरी में अगर दी जाती है, बताई जाती है उसकी कोई कैटेगरी, तो वो केवल एक या दो बेसिस नहीं होता है, प्रॉपर्टीज भी देखी जाती है, रिएक्शन भी देखे जाते हैं। तो हाइड्रोजन जो रिएक्शन शो करता है, जो प्रॉपर्टीज और शो करता है, वो नॉन मेटल जैसी शो करता है, तो इसलिए हम लोग इसको मेटल में ना रख के किस में रखते हैं? नॉन मेटल में रखते हैं। मेटल का एक ही चीज इसमें दिखता है कि आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब बात कर ली जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से हम समझ तो गए, लेकिन अब रिएक्ट कैसे करेगा? तो रिएक्ट अगर मेटल को करना है, तो ज्यादातर मेटल जो रिएक्ट करते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं? लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेंगे, तो दूसरा कोई एटम जो इसके पास होगा, अगर उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और गेन करके इनके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना के कंपाउंड बना लेगा। जैसे एग्जाम्पल हम कैसे देखते हैं, सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन देखो तो, ठीक है, तो सोडियम में टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो ये क्या करता है सोडियम, कि अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, हट गया, तो अब इसके पास 2, 8 का सिस्टम बन जाएगा। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन कोई निकालता उतना पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको हमने Na बोला था, तो इसको अब हम बोलेंगे क्या? Na+। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम से निकला है, तो इसके पास में कोई दूसरा सिस्टम होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये ऐसे बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, जब गेन करने वाला कोई होगा इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, तब ये लूज करेगा। तो हम देखते हैं कि एक नॉन मेटल है क्लोरीन Cl, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 17, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 7। अब इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, आउटर में 8 करना है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज क्यों किया? आउटर में 8 करना चाहता था, तो इसने 1 को हटा दिया, तो अब आउटर इसका ये बन गया, तो इसके पास 2, 8 हो गए आराम से, अब ये स्टेबल हो गए, अब ये सिस्टम क्या बन गया? स्टेबल सिस्टम बन गया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके।
अब सीएल की बारी आई, सीएल के पास आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अब ये क्या, अब ये कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन को लूज करना या इलेक्ट्रॉन को गेन करना दोनों एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस होते हैं। तो अगर दो चीजों को कंपेयर करना हो कि जैसे कहीं पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है और कहीं पे ऐसा हो कि आपको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो इजी प्रोसेस होगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो आप तो एनर्जी आपको देनी पड़ती है। अब अगर आप बोलो ये 7 इलेक्ट्रॉन को अगर हटा दे तो 8 हो जाएंगे इसके लास्ट में, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को हटाना टफ प्रोसेस है केमिस्ट्री में, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना क्या है, इजी है। तो अब ये अपने 8 करने के लिए क्या करेगा, ये बोलेगा कि चलो भाई हम ऐसा करते हैं 7 है, अगर कोई आसपास में ऐसा एटम है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो देना चाहता है तो उससे हम ले लेते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, गेन कर लेता है, और गेन करने के बाद इसके पास क्या बन जाता है, सीएल माइनस, और इसका सिस्टम बन जाता है 288 का, जो 287 का सिस्टम था अब किस में कन्वर्ट हो गया, 288 में कन्वर्ट हो गया। अब इसके भी आउटर में 8 हो गए, ये बन गया स्टेबल सिस्टम। फाइनली क्या होता है, ये जो Na प्लस और Cl माइनस है, ये आपके ये Na प्लस चार्ज स्पीसीज बन गई, ये Cl माइनस चार्ज स्पीसीज बन गई, तो अब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, और वो भी इस केस में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलते हैं हम आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आयन्स प्रोड्यूस हुए थे, ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं क्या नाम देते हैं, कैटायन, और अगर कहीं नेगेटिव आयन बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन। अब ये प्लस और माइनस एसोसिएटेड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, NaCl बना लेते हैं, और इस NaCl को के अंदर जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, आयनिक बॉन्ड है, आयन और आयन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड नाम देते हैं, और कौन सा नाम देते हैं इसको, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है, तो बॉन्ड अगर ध्यान से देखो तो बना किसके किसके बीच में, सोडियम थी मेटल और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थी, तो ये थी नॉन मेटल। तो ध्यान से देखो तो आयनिक बॉन्ड बना किससे, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना, क्यों, एक के पास एक को इलेक्ट्रॉन देना था, एक को इलेक्ट्रॉन गेन करना था, एक ने दे दिया दूसरे ने ले लिया, दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप हो गई जिसको हमने बोला आयनिक बॉन्ड। क्लियर, अब देखो जैसे मान लो आपको कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक, कैसे बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, ये बनना है, तो कैल्शियम को देखते हैं हम कैल्शियम के आउटर शेल में। अच्छा, कई लोगों को ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद होगा, कई बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। रूल क्या होता है इसको करने का, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, और करते कैसे हैं, पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करो, फिर सेकेंड शेल में 8 फिल करो, फिर थर्ड में 8 तक फिल करो, फिर फोर्थ में 2 तक फिल कर दो, फिर इसको इसके बाद 18 तक फिल कर सकते हो, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अगर टोटल देखो तो, पहले में आपने 2 फिल कर दिया, दूसरे में 8, तीसरे में आप 18 तक फिल करने की आपकी कैपेसिटी है, चौथे में 32 तक कर सकते हैं, पहले 2 तक किया है तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, 10 प्लस 18 कितना आ गया, 28, 28 प्लस 2, 30, इसका 2n स्क्वायर का तो मतलब ये होता है कि टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने किसी शेल में, हाँ, लेकिन फिलिंग किस उससे करते हैं ये याद रखना जरूरी है। एक साथ आप जैसे जैसे मान लो
कि जब 2n² से तुम निकालोगे, हमने ये पढ़ा था, ये बताया था आपको कि कोई भी जो शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। जब बोर का मॉडल आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, इसमें न्यूक्लियस है, इधर शेल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, के एल एम एन ये बोलते हैं, या 1 2 3 4 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अगर पहले शेल में हमें टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो फॉर्मूला हम लगाते हैं 2n², अगर फर्स्ट शेल है तो क्या लग जाता है, यहाँ पे 1 आ जाता है, तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो मैक्सिमम। अगर सेकेंड शेल की बात करो तो सेकेंड में क्या हो जाएगा, n की जगह आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, तो मैक्सिमम आप कितने फिल कर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप थर्ड शेल की बात करो तो थर्ड के लिए ये फॉर्मूला अगर लगाते हो तो यहाँ पे n की जगह आपको 3 रख देना है, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे ही फोर्थ की बात कर लो तो कितना आ जाएगा आपका, 32 आ जाएगा, लेकिन एक साथ 32 थोड़ी भर देते हैं, 1 by 1 करके भरते हैं, ठीक है। तो वो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि पहले किसमें कितना फिल करना, तो आपका कॉन्फिगरेशन कभी भी गलत नहीं होगा। पहले पहले शेल में 2, दूसरे शेल में इसके बाद और आपको फिल करने हैं तो 8, फिर उसके बाद इसमें 2 या 8 तक इसको फिल कर लो, फिर चौथे में 2, जब फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर लो तब आप थर्ड में 18 तक भर सकते हो, फिर इसमें आगे जाओगे 18 तक फिल करोगे, ऐसे आगे बढ़ते जाते। जितना इलेक्ट्रॉनिक आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है वैसे फिलिंग होती जाती है, ठीक है। ये आता है सबको, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता, आदित्य सही बताना, क्योंकि लास्ट ईयर तो आप ऑनलाइन थे, मैंने देखा नहीं आपको, आपने क्या पढ़ा है, आता है सबको, एक कॉन्फ़िगरेशन करके बताएंगे, बताएंगे। चलिए 15 का करिए, एटॉमिक नंबर 15 का सब लोग ट्राई करिए। हाँ रुके रहो, कर लिया ना, बाकी लोग भी कर लें। जो कर लेंगे वो बैठे रहेंगे, बोलेंगे नहीं, ट्राई करिए जिसको भी आता है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें क्या है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक चीजें, अगर ये नहीं आएंगी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये नहीं आएगा तो क्या होगा, आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी। सारा खेल ये इलेक्ट्रॉन का है, केमिस्ट्री पूरी बेस है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन अगर आपको सिस्टम नहीं बनाने आ रहा है तो क्या होगी, दिक्कत आएगी, आगे की क्लासेस में भी दिक्कत आती है। नहीं आता है कुछ लोग बता देंगे, किसका दिया है मैंने, 15 का दिया है ना, एटॉमिक नंबर 15। फास्फोरस, फास्फोरस केमिस्ट्री तभी बोला था ना, एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक वो कर लेना है। ये कौन प्रेजेंट कर रहा है, कोई प्रेजेंट कर रहा है क्या, प्रेजेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है, हमको क्यों प्रेजेंट कर रहा है, ये तो प्रेजेंट है ना ऑलरेडी। चलो चलो बताओ जल्दी जल्दी, कर लिया सबने, सबने कर लिया, क्या है, क्या आ गया, पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया पहले में, फिर दूसरे में 8 भर दिया, आप टोटल कितने हो गए, 10 हो गए, भरने कितने हैं, 15 भरने हैं, तो थर्ड वाले में 5 भर दो, थर्ड वाले की कैपेसिटी 8 तक है एक बार के लिए, तो 8 तक भर सकते हो, तो 5 भर दो, हो जाएंगे 15।
ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे सबका हो गया ये, यही है ना? तुम क्या कर रहे हो? जब बोल रहे हैं 30 तक करना है, 30 तक में अपनी 10th क्लास निकल जाएगी, फिर उसके बाद जैसे ही 11th में आओगे तब आपको 70-80 तक करवाएंगे। हूँ क्या? हाँ, मतलब मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जैसे 9th और 10th मान लीजिए कि आप बहुत अच्छा सा घी वाला मूंग दाल का हलवा खा रहे हो, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना, मस्ती में पढ़ते पढ़ते नंबर भी आ जाएंगे, खूब अच्छा भी लगेगा, है ना, आनंद ही आनंद है। और 11th में आते ही आपको क्या दिया गया? हलवा जल नहीं गया, एक चने की सब्जी दे दी गई, और वो भी चना क्या है, बहुत हार्ड है। तो अब आप सोचो, जो दांतों को मशक्कत करनी पड़ेगी, वैसे ही आपको थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। डरा नहीं रही हूँ, बता। चलो अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बनाना चाहते थे हम लोग, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो मेटल है कैल्शियम, ये मेटल है, एटॉमिक नंबर हमको पता है 20 होता है, 1 to 30 याद कर डालिए, 2 8 8 2, ये कॉन्फ़िगरेशन है। मेटल की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन कब लूज करेगा, जब कोई 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला बैठा हो। ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन आ गए, ऑक्सीजन होता है ओ, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 की और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसको भी 8 करना है, इनको भी 8 करना है, तो इन्होंने तो अपने ये 2 हटा दिए। अब ये 2 और गेन करेगा, कहाँ से गेन करेगा, जो ये कैल्शियम लूज करेगा। कैल्शियम ने क्या किया, अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए और बना लिया Ca+2। जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज आता है, और जितने गेन करते हैं उतना नेगेटिव। अब ये ऑक्सीजन भाई साहब बैठे हुए थे, इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने बोला ये 2 इलेक्ट्रॉन लाओ मुझे दे दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आकर के प्लस हो गए, और क्या बन गया आपका, O के ऊपर माइनस, इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड आयन। ठीक, ये ऑक्साइड एनायन हो गया, ये कैल्शियम का पॉजिटिव कैटायन हो गया, दोनों एक दूसरे के पास पास आ गए, और क्या बन गया, आयनिक बॉन्ड बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड है, Ca+2 और O-2। हाँ, अब क्या बन गया, Ca। क्लियर है? ठीक, अब अगर हमें बनाना है कैल्शियम क्लोराइड सपोज, तो कैसे बनेगा, कोई बता सकता है? एटॉमिक नंबर मैं लिख देती हूँ, कैल्शियम का होता है 2 8 8 2, और एक क्लोरीन का हो गया 2 8 7, 2 क्लोरीन ले रहे हैं ना। चल, कैसे बनेगा? नहीं, पीछे वाली सूच से कोई बताओ, वो जैसे नहीं बताओ, ट्राई करो। चलो, आगे वाले बहुत तेजी से बोल रहे हैं, इसका मतलब उनका ट्राई करो, ओजस्विनी ट्राई करो। हाँ, तेजी तो अच्छी बात है ना, अच्छी क्लास का क्या मतलब होता है? हाँ, ये भी होता है, लेकिन अच्छी क्लास का मतलब ये होता है कि बच्चे भी बोले और टीचर भी बोले, टीचर थोड़ा ज्यादा बोले, बच्चे थोड़ा कम बोले, लेकिन बोले। ऐसा नहीं कि बच्चे बोल नहीं रहे, टीचर बताता जा रहा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, पता नहीं। वो जस्वी नहीं ट्राई करोगे, बता रहे, सुहानी आप बताओगे। चलो, आप ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, तो ये क्या करेगा, ये दोनों को एक एक दे देगा, भाई इसके पास 2 लड्डू हैं, इनको एक एक लड्डू चाहिए, लो भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, है ना। और क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो
ये बना लेगा CA+2। बोर्ड पूरा विजिबल है ऑनलाइन वाले बच्चे, तो भाई CA+2 ठीक है। ये दो इलेक्ट्रॉन जो लूज हुए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो ये इफेक्टिवली क्या बन गया, Cl-। ये इफेक्टिवली बन गया Cl-। अब हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट पे। तो Ca+2 के पास पास कौन हो गए, Cl-। Cl- कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, Ca+C। क्लियर है। मेटल था कैल्शियम, नॉन मेटल था क्लोरीन। क्लोरीन को लेना था इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम को देना था इलेक्ट्रॉन। दोनों ने मिलकर के लेना देना करके एक अच्छी सी फ्रेंडशिप कर ली, जिस फ्रेंडशिप को हमने क्या बोला, आयनिक बॉन्ड। ठीक, चलो अब हम लोग करते हैं रिएक्शंस। यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन की। रिएक्शन की जैसे ही बात आती है, किसी का भी रिएक्शन हम पढ़ रहे हो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से कोई चीज कैसे रिएक्ट करे, हाँ रिएक्शन विद ऑक्सीजन बात होगी। ठीक, तो कोई मेटल ऐसा होगा जो रिएक्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई हीट करने पे रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिएक्ट कर रहा है तो बनाएगा क्या, मेटल को अगर M से डिनोट करो तो मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बना लेगा ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करता है तो। जैसे सिल्वर बहुत कम रिएक्ट करता है, सिल्वर की रिएक्टिविटी कम है। ये येलो कलर दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, हमें ही नहीं दिख रहा वहां पर, ब्लैक दिखेगा क्या, देखो सोडियम पोटेशियम की अगर बात करें, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो ये ऑक्सीजन से बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं, एयर से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, और क्या बनाते हैं ये ऑक्साइड बनाते हैं Na2, इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। क्या हो, वेट वेट वेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड बन गया। पोटेशियम भी क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके पोटेशियम का ऑक्साइड बनाता है। और ये जो ऑक्साइड बनता है, ये रिएक्शन बहुत ही विग्रस होता है, विग्रस का मतलब बहुत फास्ट, और हीट भी प्रोड्यूस होती है इसमें, एक्सोथर्मिक होगा। कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। विग्रस का मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, इसीलिए सोडियम को जो है, सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं, एयर में ऐसे खुला नहीं छोड़ते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, इसलिए इसको ओपन नहीं रखते। कैसे रखते हैं इसको, इसको एयर ना मिले, इसलिए इसको हम लोग कैरोसिन ऑयल में, सोडियम को लैब में कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाए, ताकि ये जो विग्रस रिएक्शन है ये नहीं हो पाए। ठीक है, रिएक्शन क्यों बताया, क्योंकि होता है इसलिए बताया गया, ऑक्सीजन अगर इसको मिल जाएगी तो ये रिएक्शन करेगा, हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी, इसलिए इसको डिप करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल में, तो इसको एयर नहीं मिल पाता है और एयर से ये रिएक्ट नहीं कर पाता। ठीक, जैसे अगर मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम को शो करते हैं Mg से, तो ये भी एयर से रिएक्शन करता है, थोड़ा सा हीट करने पर रिएक्शन करेगा, ये हीट कर दो तो बहुत ही व्हाइट डेजलिंग
है ना, आपको लाइट प्रोड्यूस होगी अच्छी सी, और क्या बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप बर्न करते हो तो ये क्या करता है, व्हाइट कलर का कंपाउंड बनाता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड में। ठीक है, और भी मेटल्स हैं, जैसे कॉपर की अगर बात करो तो कॉपर को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आप सोचो कि थोड़ा सा हीट कर दिया तो ये रिएक्ट कर जाए, तो नहीं रिएक्ट करता है, इसको आपको बहुत ज्यादा हीटिंग देनी पड़ती है, प्रोलॉन्ग हीटिंग बोलते हैं। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है काफी टाइम तक आप लगातार हीट कर रहे हो, तब हीट करने के बाद कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। हाँ वो अलग होती है, वो अलग होती है, बता रही, वो इससे रिएक्ट नहीं करता। एक कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा, कब बनाएगा, प्रोलॉन्ग हीटिंग। ठीक है, आप जो पूछ रहे हो वो क्या पूछ रहे हो, आप पूछ रहे हो कॉपर का कोरोजन कैसे होता है, ये पूछ रहे हो ना। कॉपर अगर आपका एयर में आपने छोड़ दिया काफी टाइम तक ऐसे ही, तो क्या करता है ये, एयर में मॉइस्चर भी होता है, एयर में CO2 भी होती है, एयर में ऑक्सीजन भी होता है। ठीक है, तो क्या करता है कॉपर, CO2 से, वाटर से, इससे रिएक्ट करता है और ये बनाता है CuCO3 डॉट CuOH होल्डर। इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक नाम क्यों दिया, किसी कंपाउंड में अगर आपको OH दिखाई देता है तो ज्यादातर ऐसे कंपाउंड जिसमें OH दिखता है वो क्या होते हैं, आपके बेसिक होते हैं, तो ये बेसिक वर्ड दे दिया इसके लिए, और कॉपर कार्बोनेट बनता है। और ये जो पूरा कंपाउंड है ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर। अगर कॉपर के किसी आर्टिकल को आप ऐसे छोड़ दो खुला काफी टाइम तक, तो आप देखोगे उसके ऊपर हल्की हल्की ग्रीन कलर की लेयर आने लगती है, वो किसकी होती है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। ये कोरोजन की बात है। ठीक है, तो ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट कराना है तो आपको बहुत ज्यादा, एक ट्यूब होती है उसमें हीटअप कराते हैं, हीट कराते हैं तो कॉपर का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक, सिल्वर हो गया या आपका लेड हो गया, ये सब जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये एयर के ऑक्सीजन से जल्दी से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनका कोरोजन भी नहीं होता। प्लेटिनम और गोल्ड का कोरोजन नहीं होता, सुना है आपने, नहीं सुना है ना, नहीं सुना है किसका किसका, होता गोल्ड सिल्वर में कंफ्यूज हो गए हो क्यों? होता हाँ है, लेकिन जैसे कई जगह गूगल भी सिल्वर भी बताता है, मैम नोबल, कई जगह पर तो रेफर भी नहीं करते, तो मैं देख के नहीं आया एग्जाम में। एक्चुअली नोबल मेटल में तो प्लेटिनम और गोल्ड को ही कंसीडर किया गया, लिख देते हैं सिल्वर को भी, लेकिन सिल्वर का क्योंकि कोरोजन होता है इसलिए उसको आप तो मैं देख के कंसीडरेशन। क्या आया। तुमने तो रेंसिडिटी में भी आउट ऑफ सिलेबस लिख दिया था, स्कूल वाले बोले मैम टेस्ट में दे तो भी आंसर मत लिखना, आता हो तो भी, है ना। ठीक है, टॉपिक पे आ जाए, चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन विद वाटर। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है वाटर से। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन से रिएक्शन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विद वाटर। इसमें सबसे मस्त जो रिएक्शन करता है वो कौन करता है, ये जो हमारे सोडियम अंकल है, ये बहुत अच्छी रिएक्शन करते हैं। कैसी, हाँ सोडियम को की जो रिएक्शन होती है वाटर से, इसी वजह से सोडियम को बोलते हैं डांसिंग मेटल। क्या बोलते हैं, डांसिंग मेटल। ठीक है,
सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है, कैसी रिएक्शन होती है? विग्रस रिएक्शन होता है, बहुत ही फास्ट, और हीट प्रोड्यूस होती है, हाई हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। रिएक्शन आपको दिखाया जाए, देख सकते हैं इसमें, हम लोग देख तो सकते हैं, ये देखो इसके लिख दिया, बच्चों को बताया भी नहीं, तो ये मेरी हाइट वजह से क्या बताएं आपको, क्या दिखाएं, इस पे दिखा दें रिएक्शन, देखा है आपने लैब में, देखा है कहाँ देखा है, क्या बताया था? हाँ बच्चों ने बहुत बुरा किया था, बच्चों ने क्या किया था, मैं एक जगह क्लास में जाती थी पहले, है ना, तो नहीं एक अच्छा सा वीडियो था, कौन सी वाली, इनको तो सुनाई देगा नहीं, इनको तो उसमें शेयर करेंगे, देखो आवाज बड़ी खतरनाक है, बाहर वाले ने इनका बोला, अरे इतना टाइम लगाएंगे कोडेक की बैटरी लेके, अब देखिए देख पा रहे हो, क्या बोलना है, हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व हो रही है, क्या कर रहे हैं बताओ, हाँ इन्होंने क्या किया, आपने वो आप हंस इसलिए रहे क्योंकि आपके ये जो साउंड है ना, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं करके दिखाती हूँ, हाँ पॉप साउंड को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, देख रहे हैं, अभी इन्होंने कुछ और डाल दिया इसमें हाइड्रोजन में, क्या बेटा कुछ टाइम में मैं लाने वाली हूँ कुछ चीजें, तो कुछ एक लैब सेटअप करूंगी जिससे कि आपको लोगों को कुछ तो दिखा सकूं, है ना, हाँ बोलो, बाद में क्या डाला वो तो मैंने देखा ही नहीं, पिंक कलर का कोई, हाँ वो हाइड्रोजन बेसिक सॉल्यूशन को टेस्ट कर रहे होंगे, है ना, कि बेसिक सॉल्यूशन क्या था अपना, उसको टेस्ट कर रहे होंगे, ये तो सबसे पहले हमने किसकी बात करी, सोडियम की बात की, और सोडियम कैसे रिएक्ट कर रहा है आपका, किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है डांसिंग, बहुत सही आंसर है, जबरदस्त, किसने दिया था, सोडियम रिएक्ट करता है वाटर से, क्या बनाता है, NaOH बनाता है, और गैस प्रोड्यूस होती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और हीट भी इवॉल्व होता है,
इसलिए हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन का रेट बहुत हाई है, बहुत स्पीड से हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, फास्ट रिएक्शन है, हाई स्पीड से हो रहा है। ठीक है, और गैस जो हाइड्रोजन बन रही है ना, उसकी वजह से ही सोडियम डांस एंड डांस कर रहा है। हाइड्रोजन जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसके रिएक्शन से ये जो गैस प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन, इसके ऊपर सोडियम स्टिक कर जाता है, और क्या करता है, गैस जैसे जैसे प्रोड्यूस होती है वैसे वैसे वो सोडियम उसके साथ साथ क्या होता है, ऊपर की तरफ डांस करता रहता है इस तरह। और जब वो सोडियम खत्म हो जाता है तो आपका क्या होगा, रिएक्शन तब जाके स्टॉप होगी, और बड़ा अच्छा सा रिएक्शन होता है। लेकिन एक बार मैं कुछ करवा रही थी बच्चों को, यही शायद सोडियम का कुछ दिखाया था उनको, ये रिएक्शन करवाया था, और करवाने के बाद कुछ बच्चे बोलने लगे, मैम इसको सिंक में करके देखते हैं, सिंक में करके देखे। तो वो थोड़ा थोड़ा, मैंने थोड़ा थोड़ा लैब असिस्टेंट को बोला, बहुत थोड़ा थोड़ा दीजिए इनको, उन्होंने कट करके दिया, और बच्चे सिंक में डाल डाल के पानी में देखने लगे, वो डांस करने लगा, अब मजे आ रहे। और मैं इत्तेफाक से, फिर मेरी क्लास नहीं होती थी, मैं निकल आई। उसके बाद बच्चों ने क्या किया, लैब असिस्टेंट एक लैब बड़ी, उसकी नजर थोड़ी इधर उधर हुई, बच्चों ने नहीं काफी सारा सोडियम, बाद में मुझे बताया कि वो उसमें से जो कट हुआ था पीस, वो काफी बड़ा था, बड़ा सा सोडियम का पीस वाटर बॉटल में डाल के और क्लास में लेके चले गए। और मेरी क्लास के बाद लंच होता था, है ना, तो मैं तो घर चली आती थी, मैं पार्ट टाइमर थी, मैं आ गई। अब नेक्स्ट डे हमको पता लगा कि हम गए तो मैम आप जैसे ही लैब से फ्री हुए और इधर लंच हुआ, और 12th क्लास में धमाका हो गया भयंकर वाला, और हम लोग वहां गए तो धुआं धुआं। तो उन्होंने क्या किया उस बॉटल में, और कैसे उन्होंने रिस्की काम किया, क्योंकि आप जैसे ही पानी डालोगे वैसे ही होगी ना रिएक्शन, और बॉटल हाँ, और वो सोडियम लेके गए, उसमें पानी डाल के देखा, और ब्लास्ट हो गई बॉटल। तो ये करना नहीं चाहिए, रिस्की नहीं, नहीं स्कूल में आप नहीं पता लगा पाते हो ना, स्कूल में उस, और उन्होंने किया उसमें जिसमें सीसीटीवी नहीं था, हाँ उसमें किया जिसमें सीसीटीवी नहीं था। तो अब आप क्या है, अब लैब में उधर से उन्होंने लिया जिधर कुछ पोर्शन होते हैं ना, जहाँ पे नहीं आपको पता लगता। हाँ क्या किसका थे, नहीं अब लड़कों की तो स्ट्रेटेजी होती है ना, दो चार घेर के खड़े हो गए, दो चार कुछ मांगने लगे लैब असिस्टेंट से कि सर ये बताइए, सर वो बताइए। अब वो सर तो बताने में लग गए, और इनका क्या हो गया, हाँ ये अपना लेके निकल लिया। टाइम बताओ, टाइम नहीं दिख रहा है।